चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मींस द प्राइस इंडेक्स। क्या मीनिंग होता है जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब? सर जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है चेंज इन द प्राइस लेवल। चेंज इन द प्राइस लेवल, ध्यान रखना बेटा, क्या सिखा रहा हूं मैं? चेंज इन द प्राइस लेवल रिलेटेड टू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। रिलेटेड टू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लास्ट ईयर हमने 11th में स्टैटिस्टिक्स में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की बात की थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि स्पेसिफिक बास्केट में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, एक स्पेसिफिक बास्केट में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट उनके चेंजेस की बात करते हैं, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं। जबकि हम जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में जो चेंजेस आया है प्राइस के कारण, उस प्राइस के चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर मींस द प्राइस इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे? प्राइस इंडेक्स। और भी समझते हैं, इट शोज दैट चेंज इन द जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आया होगा, सिर्फ चेंजेस किसमें आया होगा? प्राइस के लेवल में चेंज आया होगा। क्लियर है? चलो इसे सीखते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस मींस इसे मैं कह सकता हूँ नॉमिनल जीडीपी। यस सर, इसे आप बिल्कुल कह सकते हो कि आपके लिए क्या है? नॉमिनल जीडीपी। एंड डिवाइडेड बाय जीडीपी एट बेस प्राइस। और मतलब मुझे बताओ बेटा, जीडीपी एट बेस प्राइस का मतलब क्या है? जीडीपी एट बेस प्राइस का मतलब होता है रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम एक इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइसेस में कितना चेंजेस है। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, मान लो कि इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी है 660 करोड़ रुपीज। की कैलकुलेट हुई है 660 नॉमिनल जीडीपी, जो कि उस करंट ईयर की प्राइसेस से कैलकुलेट हुई है। और रियल जीडीपी जो बेस ईयर की प्राइस से कैलकुलेट हुई है, मान लो कि वो कितनी है? 600 करोड़ रुपीस की है। कितने की है? 600 करोड़ रुपीस की है। देखता हूँ 660 और 600 में चेंजेस जो आया, 600 करोड़ से बढ़कर जीडीपी 660 करोड़ हो गई है। बताओ रियल जीडीपी जो कैलकुलेट हुई है किससे कैलकुलेट हुई है? बेस ईयर की प्राइस से। जबकि नॉमिनल जीडीपी जो कैलकुलेट हुई है वो किससे हुई है? करंट ईयर की प्राइस से कैलकुलेट हुई है। यानी जब भी करंट ईयर की प्राइस में जो भी चेंजेस आएगा, नॉमिनल जीडीपी किसके कारण होता है? जनरली किसके कारण होता है? प्राइजेस में चेंज होने के कारण होता है। जबकि रियल जीडीपी क्वांटिटी में चेंज होने के कारण होता है, इसलिए ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? ये कांस्टेंट। तो चलो देखते हैं सर। देखा मैंने इस फॉर्मूले में इस डेटा को पुट किया तो देखा कि जीडीपी एट करंट प्राइस में द नॉमिनल जीडीपी कितना है? 660 डिवाइडेड बाय कितना? मैंने कर दिया 600 मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो हमने देखा चेंज कितना आया? 110। कितना आया? 110। चलो अभी इस 110 के डेटा को एनालाइज करते हैं। इसका मतलब क्या है ये 110? हम आंसर निकाल देने से मतलब आंसर नहीं आ जाता, उस आंसर को समझना पड़ता है कि 110 एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है आपको, ये जीडीपी डिफ्लेटर का मीनिंग क्या है। समझते हैं, मान लो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा जो बेस ईयर की जो प्राइस थी, बेस ईयर का जो इंडेक्स था वो था कितना? 100। अज्यूम किया कि बेस ईयर क्या होता है? 100। और हम आगे जाकर भी बेस ईयर को यही मानेंगे कि बेस ईयर हमारे लिए क्या होता है? 100। अब देखो बेस ईयर 100 है और अब कितना हो गया है? 110। यानी प्लस कितना हो गया है? 10। तो टोटल कितनी प्राइसेस हो गई है? 110। यानी कि प्राइसेस कितने परसेंटेज चेंज हो गई, कितने परसेंटेज प्राइसेस इन्फ्लेटेड हो गई? सर प्राइस जो हुई है इकोनॉमी में 10% से प्राइस क्या हो गई है? इन्फ्लेट हो गई है। क्या हो गई है? प्राइसेस 10% से प्राइस क्या हो गई है? इन्फ्लेट। इसीलिए जो बेस ईयर का इंडेक्स हमारा था कितना? 100। अब वो इंडेक्स बढ़कर कितना हो गया है? 110 का इंडेक्स हो गया है। मतलब इंडेक्स में जो चेंज आया 600 से 660 तक, ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण ही आया है। इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर का मीनिंग यही है, इट शोज दैट चेंज इन द जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस।
प्राइस लेवल। इसलिए अब हम जब भी जीडीपी डिफ्लेटर की बात करेंगे तो उसे कहेंगे सबसे पहली बात, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये एक टाइप का प्राइस इंडेक्स है, और जीडीपी डिफ्लेटर में चेंजेस, ये जीडीपी डिफ्लेटर ये इंडिकेट करता है कि प्राइजेस में कितना चेंज आया। जीडीपी में जो चेंज हुआ है वो जीडीपी में चेंज सिर्फ प्राइस लेवल में चेंज होने के कारण हुआ है और किसी कारण से नहीं हुआ है। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम अगले टॉपिक में आगे जाते हैं कि किस तरह से हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कैलकुलेट कर कन्वर्ट करते हैं, या हम रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। हम नॉमिनल जीडीपी, अगर हमारे क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसे रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है। सर हमें इसकी जरूरत है कि नॉमिनल रियल जीडीपी को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो जीडीपी हमने नॉमिनल जीडीपी एट मींस द करंट ईयर की प्राइसेस से जो जीडीपी हमने कैलकुलेट की है वो हमारी नॉमिनल जीडीपी, और उस साल का जो प्राइस इंडेक्स है, बोलो प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है जीडीपी डिफ्लेटर ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। मतलब कि ये जीडीपी में जो चेंज आया होगा, बोलो किसके कारण आया होगा, इसके कारण आया होगा प्राइस के कारण ही आया होगा, क्वांटिटी के कारण तो कोई चेंजेस नहीं आया। और जब हम इस पूरे डेटा को किससे, बेस ईयर मतलब वो ईयर, मतलब अब जब भी हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो किस ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर। तो बेस ईयर से मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर जो आएगा उसे हम कहेंगे रियल जीडीपी। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, ध्यान से पढ़ना और समझना कि क्या कैसे हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करें। क्वेश्चन है, इफ इन 2011 जीडीपी इज रुपीज 100 करोड़, 2011 में जो जीडीपी है वो कितनी है 100 करोड़ रुपीस की, एंड इन 2019 जीडीपी इज 200 करोड़, जीडीपी कितनी हो गई 200 करोड़ की जीडीपी हो गई। बोलो 2011 में जीडीपी कितनी थी, 100 करोड़ थी। मतलब 2011 को मान लें कि कौन सा ईयर है हमारा, बेस ईयर है। 2011 में हमारी जीडीपी कितने की थी, 100 करोड़ की थी, जो 2019 में बढ़कर कितनी हो गई है, 200 करोड़ हो गई है, जो किस पर है, करंट प्राइस। मतलब 100 से 200 में जो चेंजेस आया है वो किसके कारण आया होगा, प्राइजेस में चेंजेस आपके कारण हुआ होगा। एंड द प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 to 400 इंडेक्स बढ़कर 100 से कितना हो गया, 400 का इंडेक्स बढ़कर होगा। ठीक है, यानी 4 टाइम इंडेक्स क्या हुआ, बड़ा, विद द सेम पीरियड, उसी समय सेम पीरियड में कैलकुलेट द रियल जीडीपी। चलो कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी, फॉर्मूले में पुट करते हैं, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी, कितनी है आपकी नॉमिनल जीडीपी सर हमारी कितनी है 200 करोड़ की है, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स कितना है सर, प्राइस इंडेक्स कितना है 400 का, मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर, मैंने बेस ईयर में कितना माना है, अज्यूम क्या किया था 100 का। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय करें तो कितना आता है, कितना आ रहा है आपका 50 करोड़ रुपीस के रियल जीडीपी कैलकुलेट हुई है। कितने के करोड़ की, मतलब जो जीडीपी 2019 में 200 करोड़ की है एट अ करंट प्राइसेस, वही अगर हम उसे कांस्टेंट प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट प्राइस से हम अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो वही जीडीपी कैलकुलेट होकर कितनी आएगी हमारी 50 करोड़ की। सर ऐसा क्यों, जीडीपी जो 200 करोड़ थी वो 50 करोड़ कैसे हो गई, क्यों, क्योंकि आपका प्राइस इंडेक्स जो था वो 100 से बढ़कर कितना हो गया 400 हो गया, इसीलिए आपकी जीडीपी जो 200 करोड़ थी जो किस कारण से थी, प्राइसेस में चेंज होने के कारण थी, वही घटकर कितनी हो गई 50 करोड़ हो गई। कितनी हो गई सर, इसीलिए आपकी जीडीपी जो 2011 में 100 करोड़ की थी वही जीडीपी अब आपकी कितनी हो गई 50 करोड़, क्यों, क्योंकि आपका प्राइस इंडेक्स जो हुआ है वो 100 से बढ़कर कितना हो गया है 400 है। ये जो जीडीपी कैलकुलेट हो रही है ये करंट प्राइसेस के कारण हो रही है, अब जबकि ये जो जीडीपी है ये किसके कारण है, कॉन्स्टेंट प्राइस के कारण है। क्लियर है, समझ में आया अब आपको एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी को हमने किस में कन्वर्ट करके देखा, रियल जीडीपी में। अब हम रियल जीडीपी को कन्वर्ट करके देखते हैं नॉमिनल जीडीपी में, क्या इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं? यस सर, इस फॉर्मूले को बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। अगर इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से चेंज कर दूँ कि ये देखो आपने क्या लिखा है रियल जीडीपी, मैंने प्राइस इंडेक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मैंने लिखा यहाँ पर प्राइस इंडेक्स, और इस बेस ईयर को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बोलो क्या कैलकुलेट हो रहा है,
नॉमिनल जीडीपी, क्या कैलकुलेट को होकर आ रहा है, नॉमिनल जीडीपी। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो कि आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना है, 120। प्राइस इंडेक्स कितना है, 120। मान लो बेस ईयर में 100 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 120। मीन्स द 20% प्राइसेस क्या हो चुकी है, 20% प्राइसेस क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। मान लो कि आपका कि जो नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, और रियल जीडीपी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कोई क्वेश्चन में कितनी गिवन है, रियल जीडीपी जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है, 240 करोड़ रुपीज़ की आपकी क्या है, रियल जीडीपी है। क्लियर है, आपका प्राइस इंडेक्स या नॉमिनल जीडीपी आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए फटाफट फॉर्मूले में अगर हम इसे पुट करें तो देखो क्या आता है, रियल जीडीपी कितनी है, 240 करोड़ की, मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स कितना है, 120 करोड़ का, डिवाइडेड बाय कितना आता है आपका, कितना आ रहा है, 100, इक्वल टू क्या आता है आपका, नॉमिनल जीडीपी। चलिए सर कैलकुलेट करें, किया मैं कैलकुलेट करें तो ये आंसर आएगा आपका 288 करोड़ रुपीज़ की, यानी रियल जीडीपी आपकी 240, रियल जीडीपी बढ़कर नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई है, 288। चलो इस चीज़ को एक छोटी सी एनालिसिस के थ्रू समझते हैं, चलिए इसको कोशिश करते हैं। आपने आप कैलकुलेट क्या किया था, सर हमने कैलकुलेट किया था रियल जीडीपी कितना हुआ आपका, रियल जीडीपी कितना हुआ आपका, 240 था। वो प्राइजेस का जो इंडेक्स हमने देखा कि बेस ईयर कितना है आपका, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स में कितना अज्यूम करता हूँ, 100। प्राइसेस में चेंज होने के कारण आपका करंट ईयर का जो इंडेक्स है वो कितना हो गया, 120। यानी कितना परसेंटेज चेंज हुआ आपकी प्राइस लेवल में, सर प्राइस लेवल में 20% ही क्या हो गया, चेंज हो गया। 100 से 20 यानी डिफरेंसेस कितना आया, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो 20% का प्राइस इंडेक्स में चेंज हुआ, यानी प्राइस लेवल 20% से चेंज हुआ। चलो देखते हैं अगर इस रियल जीडीपी में प्राइस इंडेक्स को अगर मैं कर दूँ ये कितना चेंज आया, सर 20% चेंज को अगर मैं इंक्रीज कर दूँ तो चेक करते हैं 240 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 20% कितना आता है, 48 डिवाइडेड प्लस 48 इज इक्वल्स टू 288। बोलो क्या हो गया, ये नॉमिनल जीडीपी। अब कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि देखा कि रियल जीडीपी जो था वो कांस्टेंट प्राइस से था, हमने 20% के प्राइस लेवल को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज 48 का हुआ, तो करंट ईयर में जो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट आई वो हो गई 288। क्लियर, चलिए अब इस चैप्टर के हम सबसे लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं और वो टॉपिक है जीडीपी एंड सोशल वेलफेयर। क्लियर है, चलिए समझते हैं अभी बात। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, जो जीडीपी हमारी इकोनॉमी कैलकुलेट करती है, क्या एक्चुअल में वो जीडीपी एक्चुअल में सोशल वेलफेयर कर पाती है, क्या उससे एक्चुअल में लोगों का वेलफेयर होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ में आ गया जो हमने सीखा। हमें दोनों में से सबसे बेटर इंडिकेटर हमने कंसिडर्ड किया कि रियल जीडीपी इज़ अ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक्चुअल में लोगों का जो वेलफेयर होता है वो एक्चुअल में रियल इंडेक्स के कारण हमें देखने के कारण मिलता है, न कि नॉमिनल जीडीपी के, नॉमिनल जीडीपी के कारण। वेलफेयर ऑफ द पीपल का मतलब क्या, सर वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। हर पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो पाए, हर पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो पाए तो हम ये देखेंगे कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है, हम सोशल वेलफेयर की बात कर सकते हैं, जो कि हमने नॉमिनल जीडीपी में देखने को नहीं मिला। हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी में जो प्राइस चेंजेस आया था वो प्राइजेस में चेंजेस होने के कारण हुआ था, जबकि रियल जीडीपी में जो चेंजेस हुए वो चेंजेस जो थे वो किसके कारण हुए, क्वांटिटी में चेंज होने के कारण हुए। यानी जितना ज़्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो पाएंगे, लोगों के पास उस गुड्स को खरीदने के लिए उस गुड्स की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब हर पर्सन के पास अगर गुड्स एंड सर्विसेज अगर अवेलेबल हो जाए तो हम कहेंगे कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है। बट क्या ये जीडीपी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रियल जीडीपी भी, क्या ये
बेटर इंडिकेशन होने के बाद क्या सभी लोगों की आवश्यकता है, जितने भी नीड्स है क्या वो उनको फुलफिल कर पाती है या नहीं कर पाती है, सम लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को भी हमें ध्यान रखना होगा। सर फर्स्ट हमारी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी इनकम, जितनी भी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम हमारी इकोनॉमी में जनरेट हो रही है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों के पास इक्वली हो रहा है? नो सर, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इंडिया की बात तो हम ऐसा कर ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हो पा रहा है। रिच और भी रिच होता जा रहा है, पुअर और भी पुअर होता जा रहा है, और इसके कारण रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए भले ही रियल GDP अगर इंक्रीज हो रही है, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं होगा तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों का क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ GDP। हम कई बार हमें देखने को मिलता है कि हम पहले ये एनालिसिस करें कि GDP एक्चुअल में इंक्रीज किस वजह से हो रही है। क्या GDP कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के कारण इंक्रीज हुई, क्या GDP कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के कारण इंक्रीज हुई, क्या GDP आर्म फोर्सेस के लिए जितने भी हथियार है वो बढ़ाए, उन गुड्स को प्रोड्यूस किया तो इंक्रीज हुई, किस कारण से GDP इंक्रीज हुई है? अगर गुड्स कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसके कारण सभी लोगों को, ईच एंड एवरी पर्सन को अगर गुड्स अवेलेबल हो, तो हम कह सकते हैं कि GDP बेस्ट इंडिकेटर है। ये GDP जो है वो एक्चुअल में सोशल वेलफेयर कर पा रही है। बट अगर GDP सिर्फ और सिर्फ केवल कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी या असेट्स प्रोड्यूस कर रही है तो, और लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है कंज्यूमर गुड्स की, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गुड्स क्या है, ये जो GDP हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल में लोगों का सोशल वेलफेयर नहीं कर पा रही। या अगर हम कहें कि GDP जो कैलकुलेट हो रही है, ये GDP जो एक्चुअल में GDP जो इंक्रीज हुई वो आर्म्ड फोर्सेस यानी फोर्सेस में जो हथियार बनाने के कारण क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो भी लोगों का वेलफेयर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? देखा है कि हमने कई बार हमने रूरल एरियाज में, अगर हम विलेज एरिया में जाकर देखते हैं तो अभी भी वहाँ पर बार्टर सिस्टम अवेलेबल है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पर जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ही क्या होती है, एक्सचेंज होती है। यहाँ पर कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं होता है, यानी मैंने अगर किसी व्यक्ति को कोई सामान दिया है तो उस बदले में उसने भी मुझे क्या दिया होगा, सामान ही दिया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। जो जब तक वो मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडर्ड नहीं होती तब तक वो उसकी डोमेस्टिक इनकम में या उसकी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती है, तो बार्टर सिस्टम को। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वैल्यू आज विलेजेस एरिया में बार्टर सिस्टम के थ्रू या जो कंसिडर हो रहा है ये सब क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है। मॉनेटरी जहाँ पर मनी का कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो इन चीज़ों को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो हम एक्चुअल में देखते हैं कि लोगों का वेलफेयर भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉनेटरी एक्सचेंज जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या हुआ सर? एक्सटर्नलिटीज टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड सेकंड इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है कि GDP इंक्रीज हो रही है बट एनवायरनमेंट को लॉस करने के कारण हो रही है। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री गुड्स एंड सर्विसेज हाई लेवल पर प्रोड्यूस कर रही है बट उससे निकलने वाला जो केमिकल्स है, उससे निकलने वाले जो पोल्यूटेड एयर है वो एनवायरनमेंट में क्या होती है, पोल्यूट कर दी जाती है, जिससे कि एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है, जबकि जिससे कारण क्या हो रहा है कि जितना भी एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो बताओ क्या ये GDP हमारी जो GDP कैलकुलेट हुई क्या वो किसी चीज़ को नुकसान करके मिली है? यस, किसी चीज़ को नुकसान करके मिली है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है? मान लो कि मिस्टर ए है, एक व्यक्ति है जिन्होंने एक बहुत अच्छा गार्डन क्रिएट किया है, और मिस्टर बी जो उनके पड़ोसी है वो उस गार्डन को यूज़ करते हैं और उससे इंजॉय करते हैं, उस गार्डन को इंजॉय करते हैं, बट उसके बदले में कोई पेमेंट नहीं करते हैं। बताओ जो चीज़ प्रोड्यूस की थी उसके बदले में उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिला, ये मीन्स दैट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के। तो एक्सटर्नलिटीज़ के कारण भी सोशल वेलफेयर हम देखने मिलता है कि नहीं हो पाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जो GDP के कारण, जो GDP एंड सोशल वेलफेयर को हम यहाँ पर बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज हम इस चैप्टर को क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। कल से हम सीखेंगे कि हम नेशनल इनकम को एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। क्लियर? थैंक यू।